चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कोई बता सकते हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है, किस तरह से रिलेशनशिप? आपको मैंने ये पेपर में भी दिया था, लेकिन सवाए 8-10 लोगों के किसी ने भी ठीक नहीं किया, बल्कि 8-10 बनी सिर्फ 3-4 लोगों ने ठीक किया, बाकी किसी ने ठीक नहीं किया। मैं पेपर आज लाया हूँ, अगर टाइम मिला तो आपको चेक कराऊँगा। कोशिश तो मेरी है कि हमें टाइम मिल जाए। जी, कंपोजिशन क्या है, कोई रिवाइज कर सकते हैं? एक काम करते हैं, हम पेपर खोल लेते हैं जल्दी से। जी, एम्प्लॉई और डेट क्लास, चलें छोड़ें इसे, सिंपल सा वहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट वाला एक क्लास ये है, नजर आ रहा यानी लाइन मार्कर क्लास ए और एक क्लास बी है। मैं ये चाह रहा हूँ ये क्लास इसमें कंटेन हो, ए क्लास कंपोज्ड ऑफ बी क्लास, तो मैं कैसे करूँगा? इसका इस क्लास का डिस्कस करेंगे तो मैं क्रिएट करूँगा बी बी वन, ये होता है कंपोजिशन। समझे ना कि भूल गए? और इसको मैंने क्या रिलेशनशिप का नाम दिया था, हैज अ रिलेशनशिप। क्लास ए कंटेन्स क्लास बी या क्लास ए हैज क्लास बी, इसे कहते हैं हैज रिलेशन, और इसे कंपोजिशन या एग्रीगेशन भी कहते हैं। याद समझ गया इसका इसका फायदा क्या होता है? क्या इसका फायदा ये है कि हम एक क्लास को यूज कर रहे हैं, इस क्लास को यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर कुछ मजीद कैपेबिलिटीज डाल रहे हैं, यानी कि ये एक क्लास कुछ काम कर सकती है, हमने एक क्लास बी बनाई जो कुछ मजीद काम कर सकती है, और हमने इसकी कैपेबिलिटीज को लगा दी। अब ये क्लास इसको यूज कर रही है, समझ रहे ना? अब मैं यूज कर सकता हूँ, पर फिर इसमें एक मेथड था, अब मैं यूज कर सकता हूँ कि मैं कहूँ बी वन डॉट एक्स वाई थ्री, मैं कॉल कर रहा हूँ उस मैथड को, क्योंकि इसका इंस्टेंस मेरे अंदर है ना, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा था कि मैं इस क्लास को इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने एक बिल्डिंग बनाई या समझ लें एक मार्कर बनाया ये वाला, फिर आपने दूसरी चीज़ बनाई उसको जोड़ दिया, ये चीज़ आपने अलग से बनाई या अलग से बनाई है, इनको जोड़ दिया तो कंपोजिशन होगी, कंपोज। तो दिस मार्कर इज कंपोज ऑफ दिस पेन एंड दिस लिड, दो चीज़ें आ गई, तो ये चीज़ें आप ये रिलेशनशिप भी इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस के साथ साथ, इसको कहते हैं रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें का आप रिलेशनशिप पढ़ाना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं माजी में, आप बताएं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? पेपर में भी दिया था लेकिन किसी ने ठीक नहीं लिखा, किसी ने भी इसका आंसर ठीक नहीं लिखा पूरी क्लास में, किसी ने एक दो बंदों ने सिर्फ ये जहमत की तो मॉडलिंग का नाम लिख दिया बस, इसको भी एक्सप्लेन के लिए क्या होती है। और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज अ टेक्निक ऑफ सिस्टम मॉडलिंग, तो सिस्टम मॉडलिंग क्या था, सिस्टम क्या था, कोई भी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको सिस्टम कहते हैं, ऐसा है कि नहीं? बस तरह की सिस्टम है, फिर उस सिस्टम के अंदर आप देखते हैं कितने कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरे काम के हैं, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो सारे ऑब्जेक्ट्स आपने चूज कर लिए, ये काम निकल गया अलग अलग, फिर आपने ये देखना होता है कि इनका कोई रिलेशन है आपस में। इस रिलेशनशिप की एक जो बात हमने अभी की है उसको कंपोजिशन कहते हैं, जो अभी यहाँ डिस्कस किया कंपोजिशन या एग्रीगेशन। दिस इज वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप
जिसको एग्रीगेशन या कंपोजिशन कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका आप सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, रीयूजबिलिटी या एक्सटेंशन करना, बढ़ाना, एक्सटेंड करना। ये क्लास पहले थोड़े काम कर सकती थी, अब ज़्यादा काम कर सकती हैं। फर्स्ट पहले आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा बंदे क्यों रखे जाते हैं, एक मार्केटिंग का बंदा होता है, एक अकाउंटिंग का बंदा होता है, एक ग्राफर होता है, एक टेस्टर होता है, इतने लोग क्यों रखे जाते हैं? ताकि फंक्शनैलिटी और चीज़ें बढ़ें। एक बंदा कुछ काम कर सकता है, एक बंदा कुछ काम कर सकता है, सबको इकट्ठा कर दे, कंपोज कर दे। इसी तरीके से ये क्लास थोड़े काम कर सकती थी, लेकिन उसकी मदद से आप ज़्यादा कर सकती हैं। तो रिलेशनशिप, दो बंदे मिलके काम करेंगे तो बेहतर करते हैं। आपको ग्रुप में क्यों रखा जाता है फाइनल प्रोजेक्ट्स में? कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी लिखने की बड़ी अच्छी वो होती है, डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छा बनाते हैं, कुछ होते हैं जो कोडिंग रीच कर ले, कुछ होते हैं जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बड़ा अच्छा बना लेते हैं, कुछ डाटा बेस से माहिर होते हैं, इसलिए आपको ग्रुप बनाए जाते हैं ना फाइनल ईयर में। तो सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो सारे की कैपेबिलिटीज़ जब मिलती हैं ना, इकट्ठी होती हैं, तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। यही काम है कंपोजिशन के, कंपोजिशन का यही काम है। दिस इज वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। आज हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ये बड़ी मजेदार चीज़ है, आज हम मैप भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। मुश्किल होता है वैसे कि क्लास में भी बंदा ये पढ़े और फिर 3 घंटे की लैब भी ले, लेकिन क्या करें, मजबूरी है क्योंकि कल भी छुट्टी है। तो यही क्लास, यानी यही सोच के बैठे रहें, खुश होते रहें कि कल छुट्टी है और पढ़ते रहें, ठीक है? इसलिए उकताएं ना, जब भी उकताने लगें कहें कल छुट्टी है, फिर दोबारा से देखें आपकी एनर्जी कैसे बहाल होती है। 3 छुट्टियाँ आ रही हैं। इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस, जी प्लीज़ बी केयरफुल। इनहेरिटेंस वैसे क्या होती है? वरासत। वरासत क्या मतलब, जल्दी से बताएं ना कोई भाई जी। क्लास छोड़ दें, इनहेरिटेंस क्या होती है वैसे? वरासत, बाप दादा से कोई चीज़ें इनहेरिटेंस में लेना, ऐसे कहते हैं ना इनहेरिटेंस। मसलन मेरी आंखें और मेरा कद खाट अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है ना, पता लग जाता है ना कि किसका हैं बेटे आप, ठीक है? इसे कहते हैं इनहेरिटेंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। बिल्कुल यही फिनोमेना प्रोग्रामिंग के अंदर भी एम्बेड कर दिया गया है। क्यों किया गया है? इसके बेशुमार फायदे हैं, अभी आपको नज़र आएंगे इसके, ठीक है? अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, अ चाइल्ड मे हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा होता है ना, ठीक है, आपने कुछ चीज़ें तो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं, लेकिन सारा कुछ तो नहीं किया। हर बंदा यूनिक है दुनिया में, उसकी कुछ अपनी भी तो करेक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन वाला साहब यूं करके चलते थे, टेढ़े हो गए थोड़े, आप सीधे होकर चलते हैं, कुछ तो डिफरेंस है ना। वाला साहब का रंग इतना गोरा नहीं था आपका गोरा, या वाइस वर्सा, ठीक है? ऐसा होता है मतलब ज़रा थोड़ी सी चीज़ें हैं इस तरह की, लेकिन रिलेटेड हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। अब आगे बात आ वाली इनहेरिटेंस इन क्लासेस। इफ अ क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए, देन इट कंटेन्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स। जब मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर दोनों आएंगे इसमें, यानी कि सादा लफ्जों में इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स सारे आएंगे ऑफ क्लास ए। समझ आ गई बात? यानी कि अगर ए क्लास, यानी कि बी क्लास है, बी क्लास क्या है? चाइल्ड क्लास है, ठीक है? और ए क्लास क्या है? पेरेंट क्लास। तो अगर बी इनहेरिट करती है ए से, तो इसका मतलब कि बी के अंदर सारा कुछ होगा जो ए में होगा। इसमें थोड़ी सी एक एक्सेप्शन है, वो बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा अभी बता देता हूँ। द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, लेकिन ये बेस क्लास सी प्लस प्लस का नाम है, जावा में इसको सुपर क्लास कहते हैं, सुपर क्योंकि ऊपर है ना, सुपर क्लास। और जो चाइल्ड होती है वो उसे कहते हैं सब क्लास, और यहाँ पे उसे सी प्लस प्लस में ड्राइव क्लास कहते हैं,
ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आप याद कर लें। इसका तो व्यू देख लेते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो आपसे पहले आते हैं, आप लोग तो ऊपर होते हैं, आपकी आप नीचे, आपके दूसरे बच्चे आएंगे तो नीचे चले जाएंगे, यूँ यूँ आगे चलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट कर लीजिए, पेरेंट क्लास इसका नाम है ए और ये आपकी चाइल्ड क्लास, ये मैं जो तस्वीर बना रहा हूँ आप यूज कर रही है, ये बी, इसमें है एक्स वाई जी, ये एक्सेस वेरिएबल है और पी और क्यू ये इसके मैथड हैं। अब इसने इनहेरिट किया है, इसका मतलब कि इसमें ये सारी चीज़ें हो सकता है, इसमें कुछ नहीं भी हम फर्क कर लें, एम एन हाँ और एस, ये इसका इंस्टेंस वेरिएबल है या इसका मतलब इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर और ये इसकी मैथड है। ये आपको पता है सारी चीज़ें पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल और मैथड डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए दोनों फिगर बनाए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पास है तीन चीज़ें, इसके ऊपर नहीं, इसके पास है तीन और तीन छः, तीन इसने अपने अबाव इनाब से लिए हैं, पेरेंट से लिए हैं, इमीजिएट पेरेंट, ये इसका इमीजिएट पेरेंट है, क्योंकि फौरन से ही पेरेंट है, इसलिए इसने तीन तो ये लिए हैं। कोई एक्स के पास लेनी है बताए ना, एक्स वाई जी एम एन आर, अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी चर्चा है, इसके इसके ये कितने काम कर सकते हैं, एस कर सकते हैं, इसके अलावा ये पी और क्यू भी कर सकते हैं, तो भाई ये एस पी और क्यू ये सारे काम कर सकते हैं, ये काम है और ये इसका समझना चाहिए खसूसियात है या प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब समझ नहीं बात, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन क्या है वो आप बतानी पड़ेगी, किन किन चीज़ों को इनहेरिट कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि ये चीज़ें इस कवर पर होनी चाहिए इनहेरिट कर सकते हैं। फर्स्ट कहेंगे कि चीज़ें प्राइवेट हैं फिर ये इनहेरिट नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते हैं, एक नई चीज़ आया आपको पढ़ाने को प्रोटेक्टेड प्राइवेट चीज़ों को इनहेरिट नहीं कर सकता, ये कौन नहीं कर सकता, बी चाइल्ड ही करेगा ना, हेरिट पेरेंट तो है, पेरेंट सिर्फ पब्लिक या प्रोटेक्टेड चीज़ों को इनहेरिट कर सकता है, बस ये बात आपने याद होगी या नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट तो प्राइवेट है ना, वो तो अलाउ नहीं करेगा, समझ आ रही है नहीं आ रही, अनिशो प्राइवेट इनहेरिट नहीं करेगा तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड के बारे में बताता हूँ क्या होती है, मेरे पास यहाँ तक आपको समझ आ गई, अभी चलते हैं। एक और आपसे ज़रा क्वेश्चन करते हैं, फर्ज कर लें बी का भी कोई चाइल्ड है, अब इतना है सी के पास, सी फर्ज कर लें ये जो सारे इतने पब्लिक हैं तो सी कितने काम कर सकते हैं, या सी कितनी प्रॉपर्टी है सी, अब बताएं सर, इसके पास इसकी भी है और अपनी भी कोई नॉन कोई नहीं है, फर्ज कर लें एम कैपिटल, तो ये कर सकते हैं एक्स वाई जी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एम एन आर इसकी प्रॉपर्टीज हैं और कैपिटल एम इसकी प्रॉपर्टी में शामिल है, ये कितने काम कर सकते हैं, फर्स्ट कहें इसका अपना कोई काम नहीं, फिर पेरेंट से क्या कहिए ए और बी, ये तीन काम तो अभी कर सकता है, तो है कुछ ये इनकी ऐड करना चाहते हैं, फर्स्ट कर लेंगे एन कैपिटल एम ये भी काम कर सकते हैं, ये अपना काम है, तो वह कितने काम होंगे ए दो तीन चार, अब ये चार काम ये कर रहा है, ये कितने काम कर रहा है तीन, एक दो तीन, ये कितने काम कर रहे हैं, तो वह थे जो चाइल्ड्स हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, आजकल उसका उल्टा है, आजकल आप लोग काम नहीं करते, पेरेंट्स पहले ज़्यादा काम करते थे।
और फिर आप आंखें दिखाते हैं कि जी हम बड़े वो हैं, आपको तो कोई पता ही नहीं कुछ। बहरहाल इनहेरिटेंस, अब ये देखें तस्वीर ही खाका यहाँ आपको नज़र आ रहा है। पर्सन्स एक क्लास है और उसकी सारी चाइल्ड क्लासेस हैं। स्टूडेंट एक पर्सन ही है ना, डू यू बिलीव कि स्टूडेंट एक पर्सन है? अच्छा, टीचर पर्सन है और डॉक्टर है तो पर्सन ही ना, सारे पर्सन है। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप होता है, मैंने कंपोजिशन रिलेशनशिप को क्या नाम दिया था? हैज ए रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस रिलेशनशिप का भी एक नाम है, इसे कहते हैं इज ए, इज ए रिलेशनशिप, इज ए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर बड़ा ज़रा ट्रिकी है, ये लग आसान है लेकिन है मुश्किल। ठीक हो गया? अच्छा, अगर आपके पास दो क्लासेस हों और आपसे बंदा ये पूछे कि ये इसमें इनहेरिटेंस ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई है, तो आप यूँ चेक कर सकते हैं। आप कहें चाइल्ड से स्टार्ट करें, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन ऑफकोर्स, टीचर इज ए पर्सन यस, डॉक्टर इज़ अ पर्सन। अच्छा, मैं यहाँ लिख दूँ अगर कैट, कैट इज़ अ पर्सन, आप कहेंगे नहीं ये रिलेशनशिप गलत है। अब पता लग गया, चेक करने का तरीका आपको बता दिया। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी गलतियां करते हैं इस तरह की। अभी मैंने वाइवा लिया तो कुछ अजीब अजीब रिलेशन बनाया हुआ, तो मैंने कहा क्या एडमन इज़ अ डॉक्टर हो सकता है, चुप हो गया, गलत हो गया ना रिलेशन। बहरहाल शेप, लाइन इज़ अ शेप यस, सर्कल इज़ अ शेप ऑफकोर्स। अब यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि इनहेरिटेंस इज ए रिलेशन या इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, दोनों आप बोल सकते हैं। एक डिटेल एग्जांपल आपके सामने, अब यहाँ पे भी आप वही फार्मूला यूज करेंगे जो अभी आपको समझाया है। देखें पर्सन की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, नेम एज जेंडर, और वो कितने काम कर सकता है, दो, ईट एंड वॉक। अब स्टूडेंट टीचर और डॉक्टर ये दो काम तो कर सकते हैं जो ऊपर डिफाइन है, ईट एंड वॉक, ये दो काम कर सकते हैं और तीन इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी सबकी, सबका नेम होगा, सबका एज और जेंडर होगा, चाहे वो स्टूडेंट क्लास है, चाहे टीचर क्लास है, चाहे डॉक्टर क्लास है। क्यों? क्योंकि सब ने इनहेरिट किया हुआ किससे, पर्सन क्लास। तो वो सारी खसूसियात जो पर्सन के अंदर हैं, वो सारी की सारी खसूसियात स्टूडेंट टीचर और डॉक्टर के अंदर तो हैं, लेकिन इनकी कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। दोबारा डेफिनेशन पर चलते हैं। बिसाइड्स इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, ड्राइव क्लास में हैव इट्स ओन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। अब वो क्या है, ये देखें, वो ये यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्टूडेंट के केस में इसका एक प्रोग्राम भी है, जैसे आप लोगों का प्रोग्राम है BSSC, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। स्टडी ईयर क्या है, 2015-19, वो स्टडी भी कर सकता है और वो एग्ज़ाम भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, टीचर डिजिग्नेशन होगी उसकी, सैलरी होगी, टीच करता है और एग्ज़ाम लेता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी भी डिजिग्नेशन होगी, सैलरी होगी, चेकअप करता है वो और प्रिस्क्राइब करता है। समझ आ गई बात? अब ये सारी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऊपर वाली सारी इनके अंदर हैं। जाहिर सी बात है, एक बंदा होगा उसका नाम तो होगा ना, उसकी कोई एज भी होगी और जेंडर भी होगा, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो। अब आप सोच रहे होंगे सारी क्यों मुसीबत पढ़ा रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा क्या है, क्या हम जो सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे थे पहले वो काफ़ी नहीं थी, ये खप में इतनी क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये ऐसे ऐसा वक्त बताएगा आपको, ठीक। अभी कोर्स चल रहा है फिलहाल, डिफरेंस है उसमें थोड़ा सा, इसके बारे में बात करते हैं। वैसे कुछ लोग, अभी हम आगे बात करेंगे इसका, आज नहीं बात करते कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कुछ लोग कंपोजिशन को प्रेफर करते हैं बाद सिचुएशन के अंदर, ठीक है। कंपोजिशन को बाज दफ़ा लोग प्रेफर करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं और कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक रिलेशनशिप है और ये जो रिलेशनशिप है इसकी कुछ एक पावरफुल करेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो आगे जाके आपको नज़र आएंगे, जो कि कंपोजिशन के अंदर नहीं है। आपने जो क्वेश्चन किए हैं, आपका क्वेश्चन आंसर होगा जब हम दो तीन लेक्चर और ले लेंगे, ठीक है। फिर आपसे मैं दोबारा पूछूंगा, आप बताइए कि कंपोजिशन और इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, स्टूडेंट क्लास के अंदर ये पर्सन क्लास ऑटोमेटिकली आ जाती है, जैसे वहाँ कंपोजिशन होता है, एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर चली जाती है,
किसी तरह से अब स्टूडेंट और टीचर और डॉक्टर के अंदर बेसिकली पर्सन की क्लास जम हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, समझ के बात आप। इसी तरह से ये भी एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा, ये क्यों करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका रीयूजबिलिटी है। अब यहाँ से एग्जांपल समझाता हूँ आपको, देखें रीयूजबिलिटी कैसे है कि सर्कल क्लास भी इसको रीयूज़ कर रही है शेप क्लास को, लाइन क्लास भी इसको रीयूज़ कर रही है और ट्राइंगल क्लास भी इसको रीयूज़ कर रही है, कर रही है ना। अगर ये क्लास ना होती तो ये कलर कोऑर्डिनेट, ड्रा, रोटेट एंड सेट कलर, ये भी सारा सारा कुछ दोबारा लिखना पड़ता है इनके अंदर, लिखना पड़ता है क्योंकि पेरेंट क्लास थी नहीं। तो ये जो कोड है पूरे का पूरा, ये पूरा जो कोड है यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा रीयूज़ होगा इन सब क्लासेस के अंदर। फर्ज करें फ्यूचर में आपने एक और क्लास डाली है जिसका नाम है सिलेंडर, या चलें और कौन सी शेप होती है, ट्राइंगल, स्क्वेयर, आपने एक और स्क्वेयर क्लास डाल दी, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसको रीयूज़ करना है आपने। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे एरो बनाएंगे और इधर लिख देंगे स्क्वेयर, स्क्वेयर, ठीक है। स्क्वेयर के अंदर क्या होता है बेसिकली, यही होती है ना चीज़, कोऑर्डिनेट आ जाएगा उसका, या क्या कहते हैं हाइट आ जाएगी या विड्थ आ जाएगी, ठीक, बाकी सारी चीज़ तो यही होंगी ना। कोई भी शेप आप ले लें, कोई और कौन सी शेप होती है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी इसमें इनहेरिट कर सकते हैं, समझिए बात। ये सारी चीज़ें तो रेक्टेंगल के अंदर होती है ना, बताएं मुझे, नहीं होती, होती उसके कलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ड्रा भी होता है रेक्टेंगल, एक रोटेट भी हो सकता है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, पेंट की बात करें, तो रेक्टेंगल ड्रा करके आप रोटेट भी कर सकते हैं, सेट कलर भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं ना उसके साथ। तो आपको ये दोबारा से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। शुरू शुरू में जब स्काइप आया था तो बड़ा सिंपल सा होता था, बस कॉल का बटन दबाओ, ठीक, या कोई और सॉफ्टवेयर ले लें, लेकिन आजकल बड़ा एडवांस हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटेंड करते गए, उसको बढ़ाते गए, वो कैसे बढ़ाते गए, इसी की मदद से तो बढ़ाते गए। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यूज़ नहीं की थी तो आप कभी भी एक सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड नहीं कर सकते, करेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी आपके लिए, समझ के बाद। एम एस वर्ड शुरू शुरू में बड़ा सिंपल सा होता था, लेकिन आजकल उसमें इतना कम्प्लेक्स है कि उसको सीखने के लिए आपको 2-3 माह चाहिए। एम एस वर्ड आपने किया होगा थोड़ा बहुत काम, आपने जो काम किया वो अभी उसका 10% भी नहीं होगा, क्योंकि एम एस वर्ड को हर तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह के लोग, तो उसमें पता नहीं कितनी फंक्शनलिटी में पता नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक्सटेंशन जो होती है फ्यूचर में सॉफ्टवेयर की, वो इस तरह से होती है कि एक सॉफ्टवेयर ये बना हुआ है, फर्ज कर लें ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है ये पूरा जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें आपने कोई एक्सटेंशन करनी है, फर्ज कर लें रेक्टेंगल आपने एक नई शेप इसमें ऐड करनी है, तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक रेक्टेंगल की क्लास लिखनी पड़ेगी, बस खत्म, और उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा किससे, या इनहेरिट कराना पड़ेगा शेप क्लास से, बस खत्म, एक्सटेंशन होगी। लेस रिडंडेंसी ऑफ कोर्स, अगर ये शेप क्लास ना होती तो ये सारे का सारा कोड रिपीट होता ना, ये यानी कि जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर देखें, ये सारे का सारा कोड रिपीट होता, ये कलर कोऑर्डिनेट इसके अंदर भी आता, कलर कोऑर्डिनेट दोबारा से आता, इसके अंदर भी कलर कोऑर्डिनेट दोबारा से आता, इसके अंदर भी दोबारा से आता, तो रिडंडेंसी होगी ना। रिडंडेंसी क्या होती है, किसी चीज़ का दोबारा दोबारा आना, जैसे सूरह रहमान के अंदर कभी ये आला रब्बी का मात बार बार आता है, वो तो खूबसूरती के लिए आता है ना, वो एक अल्लाह ताला का एक वो जैसे कहते हैं ना कि उसमें एक हम आंगी पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए वो बार बार है, रिडंडेंसी उसे कहते हैं, ठीक है, कि चीज़ का बार बार लौट लौट के आना। इसी तरह से ड्रा, रोटेट और सेट कलर, ये भी सब के अंदर लिखना पड़ता तो मुसीबत हो जाती ना। इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, ये मैं बात कर चुका हूँ, फ्यूचर एक्सटेंशन जो आप करते हैं, आपने कोई नई क्लास ऐड करनी है बड़ी आसानी से ऐड हो जाती है, कोई मसले नहीं, कोई चीज़ कोई क्लास रिमूव करनी है वो रिमूव हो जाएगी, बाकी सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सिस्टम को छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, है ना मज़े की बात। ये जो सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, या आप गेम्स खेलते हैं, बार दफ़ा नज़र आता है एक और नया लेवल आ गया गेम का, है ये क्या दोबारा से उन्हें लिखी होगी पूरी गेम, नहीं, उन्होंने सिंपल एक क्लास बना दी होगी जो नए लेवल के ऊपर चल रही होगी।
अच्छा थोड़ा सा ये जरा एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने पढ़े हैं इसके अंदर एक नया प्रोटेक्टेड भी आ गया है, और मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस के अंदर हम प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करते हैं, हाल तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके ये भी रिकमेंडेड नहीं है वैसे, ये मैं आपको बता दूँ, तो प्रोटेक्टेड भी यूज़ नहीं करना चाहिए, प्राइवेट ही करना चाहिए। प्राइवेट को सिर्फ क्लास अपने अंदर, सिर्फ क्लास ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आपने वो प्राइवेट क्रिएट किया है, ऐसा है कि नहीं, आप जानते हैं ना ये चीज़, प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट है ना, वो सिर्फ क्लास खुद जानती है कि ये प्राइवेट है। पब्लिक क्या है? एक्सेसिबल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। पब्लिक तो कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। प्रोटेक्टेड क्या है? अब ये नई चीज़ आई है, एक्सेसिबल फ्रॉम इनसाइड द क्लास एंड फ्रॉम क्लासेस इन द सेम पैकेज। ये थोड़ा सा एक मिस हो गया, मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट कहना अगर ये प्रोटेक्टेड काम है तो बच्चे को पता ही प्रोटेक्ट करता होता है, अगर आप यहाँ प्रोटेक्टेड अपनी चाहे क्लासेस में कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड यहाँ भी एक्सेस हो जाएगा, यहाँ भी एक्सेस हो जाएगा, और स्पेशल कोई क्लास है तो उसमें भी एक्सेस हो जाएगा, यानी उधर क्लास में भी एक्सेस हो जाएगा, इसे भी एक्सेस हो जाएगा। तो जो सादा मतलब स्टोर तो मैंने लगा था, एक कुंभा जो होता है कुंभा फैमिली, उसके अंदर प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाता है, कुंभा थोड़ी ना कुंभा खाना आपका फैमिली उसमें बहन भाई सारे रिश्तेदार आते हैं उसके अंदर वो एक्सेस हो जाता है, लेकिन उसके बाहर एक्सेस नहीं होता। एक और चीज़ होती है कहते हैं पैकेज, उसके बारे में आगे काफ़ी ज़्यादा बात करें, टाइम लगा पाए तो ज़्यादा सा टाइम नहीं मिलते हैं, कभी छुट्टी करा दी, एक पैकेज होता है तो ये प्रोटेक्टेड आई है तो ये उसको एक्सेस कर सकता है, ये भी कर सकता है, एक कुंभे और खानदान के अंदर, ये याद रखना बस, चाहे वो पैकेज के अंदर हो चाहे वो इनहेरिटेंस के अंदर हो वहाँ एक्सेस हो जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा जो प्राइवेट्स होते हैं ये चाइल्ड क्लासेस में एक्सेस नहीं हो सकते, मैंने अभी बताया ना आपको थोड़ी देर पहले, लेकिन अगर आपने गेटर और सेटर मेथड यूज़ किए हैं फिर हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन गेटर सेटर से हो जाते हैं, ये बात समझ में है ना, ये इसके बारे में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है पहले कि गेटर सेटर क्यों बनाए जाते हैं, ताकि प्राइवेट वेरिएबल्स को हम मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें, या उनकी वैल्यू को सेट कर सकें या गेट कर सकें। समझ आएगी बात? ये एक्सेसिबल हैं और ये भी एक्सेसिबल हैं, ये मैंने बात कर ली है। ठीक हो गया, अब एक एग्जांपल करते हैं, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? थोड़ा सांस ले लें आप लोग और ब्रेक ले लेते हैं। Thank you.
हबस क्यों है भाई? इस कमरे में हबस का मौसम तो अच्छा है, वजह क्या है? इस कमरे में हबस है, खिड़कियाँ भी खुली हैं फिर भी। अच्छा जी, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा जल्दी से तवज्जो करें क्योंकि टाइम थोड़ा है। उसके बाद आपकी लैब भी है, ये चलते छोड़ गया था मैं। अच्छा बहरहाल, ज़रा केयरफुल तरीके से देखिएगा क्या कर रहे हैं। शेप
जी ये देखिएगा, शेप के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, एक कलर है और एक बूलियन वेरिएबल है, ट्रू या फॉल्स। मुझे बताइएगा पहले क्या था, कलर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा क्या इंटीजर होगा? अच्छा अब मैं इसकी टाइप क्या रखने लगा, जरा गौर से देखिएगा। फिलहाल मैं इसको प्राइवेट ही रखने लगा हूँ, हाल तो क्या प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड मैंने बताया कि इनहेरिटेंस के अंदर तो एक्सेसिबल हैं और पैकेज के अंदर भी एक्सेसिबल हैं, यानी कि घर के अंदर भी एक्सेसिबल हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्या है बेसिकली, फिर भी प्राइवेट ही है, तो मैं इसको ज़रा प्राइवेट ही रख रहा हूँ। ठीक है, उसमें यूज़ डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन फंक्शंस गेटर सेटर के थ्रू हो जाएगा, गेटर फंक्शंस के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल प्रोटेक्टेड रख देते हैं, थोड़ी देर में चेंज कर लेंगे। फील्ड ये बूलियन है, ठीक हो गया, और ये और इसकी टाइप भी हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं। ठीक हो गया, ये दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इसके बारे में आपको कोई शक नहीं है, आपने काम किया हुआ है। ये शेप क्या है, व्हाट इज शेप, ये क्या चीज़ है, भूल भी गए हैं, कंस्ट्रक्टर है ना, इसकी इसका नाम क्या है, जो क्लास का नाम है, जो क्लास का नाम है वही इसी का नाम है, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर होगा ना, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ये दो चीज़ें इनिशियलाइज करेगा, मसलन मैं इसके पहले होता है पब्लिक और फिर होता है क्लास का नाम, अब ये दो काम करेगा, इन दोनों को इनिशियलाइज करेगा, यानी कि दिस डॉट कलर पाइथन के मतलब काम कर करके ना जी, दिस डॉट फील्ड इज इक्वल टू फर्स्ट कैलेंडर ट्रू है, अब पाइथन में बड़ा बड़े से स्टार्ट होता है, इसमें छोटे से, अच्छा बाहर ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर, जिसे कहते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी दो काम कर रहे हैं। आगे चलें, इसके अलावा क्या है, सॉरी जी, शेप, इसमें कलर और, अच्छा ठीक है, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है अब हमें, तो आप क्या करेंगे, पब्लिक शेप और इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग कलर और बूलियन ठीक है जी, शेप के अंदर ये दो ही थे कंस्ट्रक्टर, गेट कलर और सेट कलर, ये दो कंस्ट्रक्टर हैं, चलें जल्दी से बना लेते हैं, गेट कलर और सेट कलर। सेट कलर करने के लिए पहले वाइट होगा, यहाँ ये बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की हुई हैं, तकरीबन 50% क्लास को भी ये नहीं पता कि
गेटर सेटर मेथड कैसे लिखते हैं? पब्लिक वाइड सेट कलर, कुछ लोग यहाँ सेमी कॉलन लगा रहे थे, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई कि सेमी कॉलन क्यों लगा रहे थे पेपर के अंदर। कुछ लोग कॉलन लगा रहे थे कि पाइथन नहीं है भाई ये, जावा है, निकल आए पाइथन की दुनिया से बाहर, ये जावा के अंदर घुस गए आप। ठीक है, सेट कलर, सेट कलर करने के लिए आप करेंगे दिस डॉट, सॉरी दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। सिंपल सी बात है, सेट कलर आपसे कोई रिटर्न नहीं करेगा लेकिन आपसे कुछ लेगा। जी गेट कलर, गेट कलर क्या करेगा? पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग, जी रिटर्न क्या कह रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, ये जादू छोड़ें, ये फिर जादू पेपर पर नहीं चलता ना आपका, इसलिए जादू नहीं किया। इज फील्ड और सेट फील्ड, चलें ये जादू से कर लेते हैं, लेकिन ये फिर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर ना सब? टू स्ट्रिंग, ये एक बड़ा स्पेशल मेथड होता है जिसके बारे में, ये कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है भाई, क्लास, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, ये एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से इनहेरिट कर लेते हैं हम। ठीक है, हम गए सोर्स में और यहाँ पे होगा आवर राइट इम्प्लीमेंट मेथड्स, और यहाँ से हम टू स्ट्रिंग को कैप्चर कर लेते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आवर राइट। मैं सारी चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ और सिर्फ अपने मतलब की चीज़ यहाँ लिखूँगा। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मैथड क्या करता है तो बता सकते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है, खत्म। ठीक है, और इसके ऊपर एक आपको एनोटेशन, इसको कहते हैं एनोटेशन, एट द रेट ओवर राइड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब कि ये मेथड ओवर राइड हो सकता है। ये मेथड किस क्लास का है? भूल गए, रमजान से पहले एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने हर क्लास का एक पेरेंट होता है उसको क्या कहते हैं, जावा में हर क्लास का एक पेरेंट, उसको क्या कहते हैं, आप लेक्चर रिवाइज नहीं करते घर जाके, पढ़ते नहीं है, रमजान में खाली सोने पे इतफा किया, कुछ पढ़ा भी है? कुरान कितने लोगों ने खत्म किया रमजान में? बस बाकी सारे फारिग हैं। मेरी मदर के लिए भी दुआ की है, कितने लोगों ने की है? मेरी मदर के लिए कितने लोगों ने दुआ की है? बाकी लोगों ने नहीं की। जी बताइए, हर क्लास का एक पेरेंट होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास, भूल गए? जरा तवज्जो से देखिएगा जरा दोबारा, ये जादू आप कह तो देते हैं जादू, लेकिन उसको देखा भी तो करें ना कि जादू हो क्या रहा है। ये देखें जरा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर टॉप पे उस ऑब्जेक्ट के नीचे सारे उसके फंक्शन लिखे हुए हैं, कि ये जो आप सिलेक्ट करने लगे हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग करता है, बस खत्म बात। तो गोया के इनहेरिटेंस आप पहले दिन से पढ़ रहे थे लेकिन पता नहीं था, अब बता दिया मैंने आपको। ठीक है जी, इसमें लिख देते हैं कुछ, अ शेप विद कलर ऑफ डैश एंड फील्ड और नॉट फील्ड, अ शेप
विद कलर ऑफ, हाँ जी क्या होगा दिस डॉट कलर, या आप यूज़ कर सकते हैं गेट कलर। मैं इसको अच्छा प्रेफर करता हूँ, हमेशा फंक्शन ही बस यूज़ करना चाहिए, डाटा को डायरेक्ट छेड़नी नहीं चाहिए। जी यहाँ पे लिख देते हैं एंड सॉरी एंड इज एंड इज नहीं गेट फील्ड, ठीक हो गया। एक वैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराई है, यानी कि जो भी दो इंस्टेंस वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करा दिए, और ज़रा एक डिस्क्रिप्शन के साथ, अ शेप विद द कलर ऑफ डैश एंड इज फील्ड एंड इज फील्ड इज इक्वल टू यस या नो लिखा होगा, ट्रू या फॉल्स लिखा होगा, फील्ड होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स, खत्म बात। यहाँ तक क्लियर है सब? नहीं असल में जो बुलियन फंक्शन होते हैं ना उसमें गेट नहीं होता, उसमें इज होता है। क्या ये चीज़ दुरुस्त है आप बताइए, इज इट ट्रू, इज फील्ड बुलियन है ना, तो बुलियन जब फंक्शन क्रिएट करते हैं तो गेट गेट फील्ड करना चाहिए तो कर लें यहाँ, कोई वो मना नहीं करेगा आपको, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जनरल सी बात है, देखें एक बुलियन चीज़ है वो या तो यस होगी या नो होगी, तो आप कहेंगे क्या क्या ऐसा है इज फील्ड, क्या सर्कल फील्ड है, शेप फील्ड है, तो इसका नाम होता है इज़ फील्ड, आगे क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा सकते ना, आप खुद सोचें इज फील्ड आगे क्वेश्चन मार्क, तो ये होता है मेथड, और सेट करने के लिए सेट फील्ड, वो तो सिंपल सी बात है। तो हमने एक क्लास तो बना ली है और हमारे पास 15 मिनट रह गए, दूसरी क्लास बनाते हैं, हम दो ही क्लासेज आज बनाएंगे। ये क्लास हमने बना ली है और ये आज तक जितना हमने काम किया वो आप तो आपको आता है, यहाँ तक सब ने 10/10 लिए हैं, पेपर में भी 30 में से जो 10 नंबर थे वो तो सब ने 10/10 ले लिए हैं, बल्कि 12/12 ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल है ये जो कंपोजिशन का चक्कर था वहाँ मार्क आ गया, अक्सर बेशतर लोग एक बंदे के 28 है मैक्सिमम, पता नहीं वो कौन है। सर्कल सर्कल के अंदर एक रेडियस है, ऑफकोर्स आपको पता है कि सर्कल के अंदर रेडियस होता है, जो कि शेप शेप तो जनरल क्लास है ना, शेप इज़ अ जनरल क्लास, सर्कल इज़ अ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ शेप क्लास। ये भी आप बात याद रखिए, जो चाइल्ड क्लास होती है स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो ऊपर क्लास होती है जनरल क्लास होती है, क्या होती है जनरल क्लास, और जो इसकी चाइल्ड क्लास होंगी सारी स्पेशलाइज्ड होती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से ही निकली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये उसकी जनरल स्पेशलाइज्ड क्लास है और कंप्यूटर साइंस एक जनरल क्लास है। जरा चलते हैं, जरा सर्कल क्लास बनाते हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से बनाना आता आज, क्योंकि लैब होगी और जैब साहब ने अच्छी खासी लंबी चौड़ी लैब बनाई, आपकी खैर नहीं आज। और सर्कल मेरा उन्होंने दो दफ़ा लेक्चर चेंज करा दिया, कहते हैं ये तो मैंने भी डाला हुआ आपने क्यों डाल दिया, ये भी मैंने डाला वो भी डाला, मैंने कहा यार मुझे भी कुछ पढ़ाने दो कि नहीं। अच्छा बहरहाल रेडियस डबल इज इक्वल टू, हाँ जी इसका मतलब है कि इसको भी हम कर देते हैं फिलहाल प्रोटेक्टेड था प्राइवेट, इसको भी प्रोटेक्टेड रखते हैं। प्रोटेक्टेड समझ लें कि प्राइवेट और पब्लिक के दरमियान की चीज़ होती है, इसकी रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि ये जो इनहेरिटेंस हायरार्की होती है पूरी आपकी बनी हुई होती है उसके अंदर एक्सेसिबल होता है ये, बाकी बाहर नहीं। हाँ अगर पैकेज हो तो उसके अंदर एक्सेसिबल होता है। तो प्रोटेक्टेड डबल रेडियस, ठीक हो गया। जी अब इसके अलावा इसके बाकी सारे फंक्शंस हैं, इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त, सर्कल क्लास के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त, अभी
सर्कल क्लास के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त अभी? एक नज़र आ रही नहीं आपको, ये रेडियस नज़र नहीं आ रहा आप, नज़र ही नहीं आ रही आपको मेरे ख्याल से, हैं? नहीं, दो वाली तो अलग क्लास है ना, इसका कोई रिलेशनशिप है इसके साथ? कहाँ मैंने कहाँ कहीं बताया, कहीं मैंने बताया रिलेशनशिप? नहीं, अब बताने लगा हूँ। एक्सटेंड मतलब वही जो एरो नज़र आ रहा है ना उसकी जगह एक्सटेंड लिख लें। सर्कल इज अ चाइल्ड क्लास एंड शेप इज अ पेरेंट क्लास। सर्कल इज अ शेप, आप यूं पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, सर्कल इज अ शेप, इसका मतलब कि शेप पेरेंट होनी चाहिए, जो आखिर में लिखी होती है ना एक्सटेंड के बाद वो पेरेंट होगी, और एक्सटेंड से पहले कौन सी होगी? चाइल्ड क्लास होगी। समझ आ गई बात? ये गलतियां ना कीजिएगा। तो अब इसके अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं? तीन, दो शेप क्लास हैं और एक इसका अपना है। चलो जरा टेस्ट करते हैं इसके पास है या नहीं। दिस डॉट, दिस नहीं एक्सेप्ट कर रहा, लेट्स सी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सर्कल और ज़रा देख लेते हैं सर्कल के अंदर क्या लिखना हमने। अच्छा ठीक है जी, पब्लिक सर्कल, अब रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू 1.0, ठीक हो गया मेरे ख्याल से। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इसने सिर्फ रेडियस को इनिशियलाइज किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? जी, सर्कल में रेडियस आ रहा है और फिर सर्कल के अंदर रेडियस, कलर, स्ट्रिंग, फील्ड सब कुछ आ रहा है। एक और बनाना पड़ेगा, ये सारे इन कंस्ट्रक्टर को क्या कहते हैं जो बहुत सारे कंस्ट्रक्टर आ जाए तो? ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। अब देखें, दिस डॉट रेडियस, चलें जी अब तीसरा बनाते हैं। अब तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पब्लिक सर्कल, इसमें देखें कितनी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो इसमें आ रहा है रेडियस, चलें जी लिखें डबल आर, आर स्टैंड फॉर रेडियस। इसके अलावा क्या आ रहा है इसमें? कलर। अब आप समझ रहे होंगे कलर कहाँ से इसमें आ गया, और एक आ रहा है इसमें फील्ड, सॉरी वो बुलियन था। नहीं नहीं ये तो इसके अपने हैं ना, लोकल हैं। ये एरर क्यों दे रहे हैं? एरर इसलिए दे रहे हैं कि हमने इसमें कुछ लिखे नहीं है, सॉरी इसके स्पेलिंग गलत कर दी, इसलिए एरर दे रहे हैं। सर्कल, ठीक है जी। अब देखें, अब रेडियस क्या है? रेडियस तो आप यहाँ डायरेक्टली से इनिशियलाइज कर सकते हैं, दिस डॉट। एक और काम करते हैं, देखें सुपर, सुपर के अंदर लिख दें। हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ किया था सुपर में जो दोनों चीज़ें इनिशियलाइज कर रहा था? था ना एक पेरेंट क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर था जो कि कलर और फील्ड को इनिशियलाइज कर रहा था। ज़रा देखते हैं जाके, ये देखें वो कौन सा, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, इसको हम इस्तेमाल करेंगे उधर पेरेंट चाइल्ड क्लास में। तो मैं कहूँगा कि सी और एफ किया क्या मैंने, मैंने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उसने भी वही काम करने के लिए कर रहा है। तो बजाय ये कि दोबारा से ये काम मैं यहाँ पे करूँ, मैं उसको रीयूज़ कर रहा हूँ उसके कंस्ट्रक्टर को, किसको?
पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को री यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। सुपर कीवर्ड है, एक सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर मैं यूँ करूँ सिर्फ तो सुपर क्लास का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब सुपर क्लास का टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये वैल्यूज़ मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, समझ गए। अब तीसरी चीज़ और याद रखें, ये जो सुपर का कीवर्ड है ये पहला होना चाहिए। फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, ये जो रेडियस है ये तो उसका अपना है ना, रेडियस शेप क्लास में नहीं था इसलिए इसको यहाँ से डायरेक्ट आप इनिशलाइज करेंगे। फर्ज कर लें कुछ भी, अब एरर दे रहा है, देखें एरर दे रहा है, एरर ये दे रहा है, जरा चेक करते हैं क्या दे रहा है। कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर, तो गोया कि वो कह रहा है कि इसको फर्स्ट कॉल होना चाहिए, तो यहाँ से कट करके यहाँ डाल दूँ, अब एरर नहीं देगा। अब आप कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही ना समझ। सुपर एक कीवर्ड है और इसकी मदद से हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ मकसद हम क्या, ये सर्कल कर क्या रहा है बेसिकली, ये जो कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है, तीन चीज़ें इनिशियलाइज कर रहा है जिसमें से दो चीज़ें इसकी हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करवा रहे हैं और एक चीज़ खुद कर रहे हैं इनिशियलाइज। क्योंकि पेरेंट क्लास में रेडियस नहीं था ना, तो रेडियस हमें खुद से करना पड़ेगा यहाँ पर इनिशियलाइज। लेकिन पेरेंट क्लास में दो चीज़ें ऐसी थी जो इनिशियलाइज हो रही थी कंस्ट्रक्टर की मदद से, एक कलर और एक फील्ड, वो हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की मदद ले लिया यहाँ पर। समझ आई बात या नहीं आई, आ गई समझ? क्यों भाई मोहम्मदुल्ला जी, क्यों भाई बिलाल, हाँ जी आ गई समझ, ठीक है गुड। तो ये चक्कर है यहाँ पर सारा कि हम किसी मेथड को भी कॉल कर सकते हैं सुपर क्लास के। सुपर क्लास में कौन कौन से मेथड थे देखें, फील्ड, इसके अलावा गेट कलर, इज फील्ड, सुपर कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए। सुपर का मतलब क्या है देखें, सुपर यानी कि जो मुझसे ऊपर है, सुपर सुपरमैन, ठीक है, तो जो मुझसे ऊपर है उसकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए मैं सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कहा था सुपर क्लास, जावा में उसको सुपर क्लास कहते हैं, तो इसलिए उससे ये सुपर निकला है। सुपर मतलब है अपने से ऊपर वाले जो इमीडिएट पेरेंट है उसकी, उससे मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ तो मैं सुपर यूज़ करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इट विल कॉल सुपर क्लास टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया, इट विल कॉल सुपर क्लास टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। मुश्किल होता है छुट्टी के बाद पढ़ना लेकिन मजबूरी है, ठीक है। इट विल कॉल सुपर क्लास टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स, ये बात हजम देर से होती है लेकिन होनी पड़ेगी, हजम गुजारा नहीं है ना इसके बगैर, क्योंकि अजीब सी लगती है शुरू शुरू में, ये क्या, ये अजीब ही कोई दुनिया जो सर पढ़ा रहे हैं, कोई मरीख की बातें हैं, लेकिन ये कि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों के पेपर शायद आर्ट्स हैं ना, ठीक है तो परेशानी की बात नहीं, यहाँ तक समझ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास 5-1 मिनट हैं। अब ये सारी जो कहानियाँ हैं, गेट रेडियस, सेट रेडियस, गेट, ये तो ज़रा मैं जादू का इस्तेमाल करता हूँ, ये तो करना नहीं जल्दी से रेडियस वाला काम। तो सोर्स में आके सोर्स में जाके गेटर सेटर लें जी, ये तो किस्सा तमाम हो गया। गेट एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, बताएं जी एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, या यूं कर लें
ठीक हो गए। तो ये क्या निकलाया, पाई, ये पाई है और ये आगे आर स्क्वायर है। अब ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये बार बार चीज़ें हो चुकी हैं ना। पावर क्या होता है, पावर फर्स्ट बेस है और दूसरी इसकी पावर है, तो पाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर किसको निकालना आता है, सर्कल का 2πr होता है, वो तो सर्कमफेरेंस नहीं होता। इसे छोड़ देते हैं फिलहाल, ये आप खुद घर जाके कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, टू स्ट्रिंग आ रहा है आखिर में, देखें टू स्ट्रिंग, राइट मोस्ट क्लिक करें, सोर्स में जाएं और इस सब सबको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको हम दोबारा से करेंगे ओवरराइड। ये टू स्ट्रिंग किसकी टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करेगा, ये किस क्लास को, सुपर क्लास को, क्योंकि इसका इमीडिएट पेरेंट अब कौन सा है, शेप, इसका इमीडिएट पेरेंट अब ऑब्जेक्ट नहीं है। ये यूं एक थी, क्या कहते हैं, दोबारा देखें जरा यहाँ पे आके, ये जादू और से देखा करें ना, भूल जाते हैं फिर आप। ये देखें सोर्स, ये इतनी डेप्थ में चीज़ें कोई नहीं बताता, टीचर मैं आपको पहले से बता दूँ, इसलिए चीज़ें ध्यान से देख लें, आपका फ़ायदा है इसमें। ये देखें, ये शेप क्लास आ रही है ना, क्योंकि इसका इमीडिएट पेरेंट क्या था, शेप नॉट ऑब्जेक्ट, इसलिए उसी के दे रहे सारा कुछ। इसमें लिखें जरा रिटर्न, हम देख लेते हैं, ये हम लिंक आपको शेयर कर दूंगा, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। जी, अ सर्कल विद रेडियस दिस विच इज़ द सब क्लास ऑफ वाई वाई, इसको कॉपी कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को, और यहाँ पे आके दो दफ़ा हो गए। अब यहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग करनी है इस जगह पे, तो यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, प्लस यहाँ जी क्या लिखें, इधर रेडियस क्या होना चाहिए, मैं कहूँगा दिस डॉट रेडियस, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस, और फिर ये आएगा, क्या गलती है जी इसमें, विच इज द सब क्लास ऑफ वाई वाई। अब वाई वाई शेप क्लास है बेसिकली, उसने बताया हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर इसे तोड़ूंगा, बल्कि इस तरह करते हैं कि यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं ताकि आपको नज़र भी तो आए कुछ। विद इन सब क्लास ऑफ वाई वाई, वाई वाई शेप क्लास है, तो मैं यहाँ यूँ कर सकता हूँ, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने क्या किया, मैंने सुपर क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल कर लिया। सुपर क्लास के टू स्ट्रिंग में क्या था ज़रा देख लेते हैं जाके, अ शेप विद द कलर ऑफ दिस एंड इज फिल्ड विद दिस और दिस, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा दोबारा इधर, इन दोनों को सेव कर लेते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है, ये मैंने ओवर राइड किया, पहले मैंने ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग को ओवर राइड किया था शेप क्लास में,
ओवरराइडिंग क्या होती है, इसके बारे में अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये याद रख लें ओवरराइडिंग क्या होती है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने पेरेंट क्लास से स्पीक करने वाला मेथड ओवर कॉल किया, इनहेरिट किया, लेकिन आपके पेरेंट किसी और तरीके से बोलते हैं, आपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। मेथड का नाम चेंज नहीं होता, ना उसकी रिटर्न टाइप चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन बदल जाती है, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। नाम भी सेम होता है, डेटा टाइप भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ क्या बदलता है, क्या बदलता है जी, इम्प्लीमेंटेशन, डेफिनेशन बदलती है। तो ये डेफिनेशन बदली है मैंने थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन देखें इसमें मैंने पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर यानी कि टू स्ट्रिंग कॉल की है, मतलब ये कि उसको एक्सटेंड किया, मजीद बढ़ाया है उसको। अब जरा आते हैं, जरा टेस्ट क्लास बनाते हैं जल्दी से, बाकी आप लैब में मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं जी टेस्ट क्लास में आपको पता है कि मेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शेप, बल्कि यूं एक काम मुझे करने दें टाइम बचाने के लिए, मैं इधर आता हूँ और इस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड सारा, ठीक नहीं है यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कोड नहीं है इसका, ठीक है, चलें खुद से लिख लेते हैं जल्दी से, शेप ये क्या एरर दे रहे जी, अच्छा अब जाके देखते हैं शेप क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर था, स्ट्रिंग और बूलियन, स्ट्रिंग और बूलियन था ना, इसलिए गलती दे रहे हैं, स्ट्रिंग और बूलियन था, ट्रू जी, ठीक हो गया। अब शेप या सर्कल A shape with the color of green and is filled is equal to true. A circle with radius 1 which is a subclass of a shape with color of radius, सर बाकी सारा वही आ रहा था। अब ये क्या है बेसिकली, ये शेप क्लास का रेफरेंस है जिसे मैंने कॉपी कराया, और ये सर्कल क्लास का रेफरेंस है जिसे मैंने प्रिंट कराया, समझ के बात। अब ये देखें ज़रा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बात, अब मैं अब इधर आए सर्कल के अंदर C1 डॉट करें ज़रा इसको, देखें जब मैंने C1 डॉट किया तो ये क्या क्या दे रहा है मुझे, गेट एरिया भी दे रहा है, गेट एरिया दे रहा है, इसके अलावा गेट कलर दे रहा है, गेट रेडियस दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि क्या कहते हैं इज फील्ड, ये इसका अपना नहीं था, ये शेप क्लास का है, ये साथ नज़र भी आ रहा है किस किस क्लास का, देखें ये इसका अपना नहीं है लेकिन शेप क्लास का है, इसे एक्सेस कर सकता है ये क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था। अब भाई ध्यान से सुने, बस 5 मिनट है, ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखें कलर को एक्सेस कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रखा था मैंने शेप क्लास में, ये देखें ये शेप क्लास का था और प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड की निशानी होती है कि येलो होता है, अच्छा फील्ड भी प्रोटेक्टेड था और ये शेप क्लास था इसलिए मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। किस क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, चाइल्ड क्लास में, जिसका नाम क्या है सर्कल, रेडियस भी, रेडियस इसका अपना है, देखें सर्कल का
यहाँ लिखा है सर्कल, बाकी सारे ये देखें ये शेप। मैं शेप क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ एक्सेस मैं, उसकी वजह ये कि मैंने इनहेरिट कर लिया ना, ये अब मेरे अपने हो गए हैं, इसलिए मैं शेप क्लास के इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन ये बताई है ना कि जो पेरेंट क्लास की सारी करेक्टरिस्टिक्स को, करेक्टरिस्टिक्स के मुराद है मैथड्स और प्रॉपर्टीज दोनों, अपने अंदर समो लें, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो ये गेट कलर इसका अपना तो नहीं था, लेकिन यहाँ मुझे एक्सेस दे रहा है। देखें गेट कलर, ये देखें ये प्रिंट, अब मैं अगर चलाऊंगा तो ये प्रिंट करेगा, अब ये प्रिंट करेगा, ठीक है। ठीक हो गया, ये देखें रेड कर रहा है ना प्रिंट रेड, तो मतलब ये शेप क्लास का गेट कलर कॉल कर रहा है, शेप क्लास का गेट कलर कॉल कर रहा है, जिसने अपने अंदर समो लिया इनहेरिटेंस की मदद से। इनहेरिटेंस हमने कैसे की है, ऐसे सर्कल क्लास चाइल्ड क्लास है और शेप क्लास एक्सटेंड क्लास है। समराइज करते हैं, खत्म लेक्चर खत्म। अब समरी, समरी क्या हमने पढ़ी आज, इनहेरिटेंस क्या होती है, उसी करैक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर इनहेरिट करना, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस को इधर रिलेशन भी कहते हैं, और इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास कोई क्लासेस ना दो का उसमें इधर रिलेशन फुलफिल होना चाहिए, मसलन कैट इज एन एनिमल, दिस इज ट्रू, ठीक है, ये होता है इधर रिलेशनशिप, और इसको भी रिलेशनशिप कहते हैं। ये रिलेशनशिप की दूसरी टाइप जो हम पढ़ रहे हैं, पहली कंपोजिशन हमने पढ़ ली नंबर एक पर, नंबर दो क्या है कि ये सारी की सारी पब्लिक और प्रोटेक्टेड करैक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए, पब्लिक और प्रोटेक्टेड करैक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर समो लेता है, प्राइवेट को समो नहीं सकता, लेकिन प्राइवेट को गेट कर सकते हैं यूजिंग गेट एंड सेट मेथड्स, समझ के बात याद रख। अच्छा, इसका पी और क्यू इसके अंदर है, इसके रेफरेंस से मैं पी और क्यू कॉल कर सकता हूँ, जैसे अभी मैंने किया आपके सामने गेट कलर, गेट कलर शेप कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सर्कल कलर कॉल कर लिया, यानी सर्कल के ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल किया उसको। देखें अभी जो टेस्ट क्लास मैंने खोली हुई थी, किधर गई ये, किसका ये देखें, ये सर्कल का ऑब्जेक्ट है ना, सी वन, सी वन किसका ऑब्जेक्ट है, सर्कल का, लेकिन सर्कल के रेफरेंस से मैंने गेट कलर किया है शेप क्लास का। जैसे आपने अपने पेरेंट से कोई भी चीज़ ली है ना फंक्शनैलिटी, चाहे बोलने का अंदाज, वो आपने ऐसे से ले लिया, कोई मैच नहीं किया उसके ऊपर, वो आप किसी तरह से मिल गया, अब आपके अंदर भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, समझ आई बात कहनी है, ये बातें बहुत बारीक हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव लेक्चर और चाहिए, तब जाकर क्लियर होगी ये बातें। तो इस तरह प्लीज़ पढ़िए, बता देते हैं इस कहानी को लाजमी याद रखिएगा, कि मैं बताइए सारी की सारी इसकी एक्सेस स्पेसिफिकेशन प्रोटेक्टेड क्या होता है इसके बारे में पता है आपको, ये पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान की चीज़ होती है, और ये सिर्फ एक कुंबे और फैमिली के अंदर एक्सेसिबल है, इससे बाहर नहीं, मेरे ख्याल से बाकी चीज़ के लिए। और ओवर राइडिंग का थोड़ा सा मैंने बताया, अब इस पर एक डिटेल लेक्चर और चाहिए। ओवर राइडिंग क्या होती है कि पेरेंट्स से मैंने चीज़ इनहेरिट तो कर ली है, लेकिन उसको मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसके लिए तरीका क्या होता है कि उस मेथड के ऊपर आपको ये लिखना पड़ता है, जिस मेथड के ऊपर आप ये लिख रहे हैं बशर्ते कि ये पेरेंट के अंदर भी हो, पेरेंट क्लास में होना चाहिए तब ओवरराइड कर सकते हैं, और ये इनहेरिट भी होना चाहिए, कुछ मेथड इनहेरिट नहीं हो सकते, अभी इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, ओवरराइडिंग को भी आप मत छेड़ें, अब ये लेक्चर पूरा ओवरराइडिंग चलेगा, इनहेरिटेंस दोबारा पढ़ाऊंगा प्लस ओवरराइडिंग, तब जाके आपको इनहेरिटेंस पूरी कम्प्लीट समझाएगी, कोशिश कर रहे हैं समझी तक क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। चलें अटेंडेंस जो है ये आप टाइम थोड़ा इसको फिर कर लेंगे, आप सारे प्रेजेंट हैं मेरे ख्याल से, ऑल प्रेजेंट, कोई ऐसा है जो ना आया हो।